यूपी बीजेपी को मिला नया प्रदेश अध्यक्ष। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी बने यूपी बीजेपी के नए कप्तान। मिशन 2024 के लिए बीजेपी का जाट समुदाय पर बड़ा दांव। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को सीएम योगी ने दी बधाई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी दी शुभकामनाएं। सीएम योगी ने लखनऊ और कानपुर वासियों को दी बड़ी सौगात। 42 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। कहा ध्वनि और वायु प्रदूषण को कम करने में सहायक होंगी साबित। यूपी में बाढ़ को लेकर सीएम योगी ने की देर रात बैठक। यमुना बेतवा नदियों से जुड़े जिलों के लिए सीएम योगी ने दिए विशेष दिशा निर्देश। कहा 24 घंटे एक्टिव मोड पर रहे आपदा प्रबंधन की टीम। माफिया मुख्तार का बेटा भगोड़ा घोषित। अब्बास के खिलाफ कुर्की के भी आदेश जारी। आज कोर्ट में पेशी की आखिरी तारीख। मेरठ में एक्शन में बाबा का बुलडोजर। अवैध निर्माणों पर गर्जा। बाबा का बुलडोजर अवैध निर्माणों पर चल रहा एमडीए का बुलडोजर। एमडीए की मिशन 3 के तहत हुई बड़ी कार्रवाई। नोएडा में 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे गिराया जाएगा सुपरटेक ट्विन टावर। तैयारियों पर नोएडा अथॉरिटी नोएडा पुलिस की बैठक में मुहर। संभल में गैंगरेप पीड़िता की खुदकुशी के बाद जांगी पुलिस आरोपी को किया गिरफ्तार। 40 दिन से लापरवाह बनी रही पुलिस। पीड़िता ने डीआईजी एसपी सीओ से कई बार लगाई थी कार्रवाई की गुहार। नोएडा के गालीबाज श्रीकांत त्यागी के समर्थन में मेरठ में आज से अनिश्चितकालीन धरना। कमिश्नरी पार्क में धरने पर बैठा त्यागी समाज। श्रीकांत की रिहाई की है मांग। राजेश श्रीवास्तव की हालत में सुधार। बेटी ने पिता के फैंस के लिए जारी किया संदेश। लिखा दवा और आपकी दुआओं के लिए शुक्रिया।